नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लोहड़ी आ रही है तो सभी अपने बच्चों के लिए हार तो बनाते ही हैं, तो कईयों को हार बनाने नहीं आते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए आई हूँ कि लोहड़ी का हार कैसे बनाते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि हार बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो चलिए, लोहड़ी का हार बनाने के लिए मैंने मूंगफली ली हुई है, मैंने चॉकलेट्स वगैरह और टॉफीज वगैरह, कुछ मैंने ये वाले चॉकलेट्स भी लिए, वो वाले चॉकलेट्स लेने जो जिससे हमारी नीडल जल्दी से क्रॉस हो जाए, हमें वो ही ज्यादातर लेने हैं। ये मैंने कुछ सूखा नारियल लिया है, एक बड़ा वाने लिए हुए हैं, ये मैंने बादाम रात भर भिगो दिए थे, ये इजिली नीडल से क्रॉस हो जाएंगे इसलिए मैंने इनको रात भर भिगोने के लिए रख। ये मैंने ड्राई खजूर होती है, जो डेट्स होती है वो ली मैंने, उसको हम शुआरे भी कहते हैं। और ये देखो मखाने के दाने, ये भी इजिली नीडल से क्रॉस हो जाते हैं इसलिए मैंने ये भी ले लिया। और पताशे, ये तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आजकल लोग इनको अवॉइड करते हैं, बट बोलते हैं ना कि पुरानी चीजें पुरानी ही होती हैं, तो ये सबसे मेन पार्ट होता मुझे लगता हार का। और ये देखिए, ये मलूक, इनको मलूक कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग तो मलूक कहते हैं। तो ये देखिए, ये लिए मैंने, ये धागा और नीडल ली मैंने, ये बड़े बड़े मैंने नीडल लिए हुए हैं, जल्दी से हार बन जाएगा, और ये वाला धागा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ बनाना कि कैसे बनाते हैं लोहड़ी का हार। तो मैं अपनी बेटी के लिए चाचा लड़ी वाला बना रही हूँ। आजकल लोग तो दो दो लड़ी वाला ही बनाते हैं, पर मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए भी चार लड़ी वाला बनाया था, तो मैंने बोला छोटी के लिए क्यों ना चार वाले, छोटी के लिए भी चार वाला लड़ी वाला ही बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने एक धागा लिया हुआ है, आप देखिए इसको मैंने डबल कर लिया, डबल करने के बाद फिर इसको डबल करना, क्योंकि चार चार लड़ी वाला बनाना, फिर इसको डबल करना, ये देखिए ऐसे, एक दो तीन और चार, आप देखिए, ये देखिए धागा डबल कर लिया, ये देखिए कर लिया फ्रेंड्स, सुई ली है, ये देखिए। तो चलिए अच्छे से सुई पिरोते हैं हम, तो पास से बताती हूँ, ये देखिए चार धागे मैंने पिरो लिए हैं, ऐसे करके पिरो लिया, सेंटर बनाना हमें इनका, ये देखिए ये साइड दोनों का एंड पॉइंट, और यहाँ पर लगा लेनी है हमें नॉट। सबसे पहले हम लगाएंगे मूंगफली का दाना, ये लगा लिया, फिर लगाएंगे हम ये नारियल, सूखा वाला नारियल, ये देखिए चार इधर और चार इधर, चार चार धागे सेंटर से, क्या कर लेंगे सेंटर से काट लेंगे सीजर से, काट लिया। चलिए अब नीडल भी हमें बाहर निकाल दी, ये देखिए, ये देखिए बताती हूँ आपको, वन टू थ्री फोर, चार धागे इधर और चार धागे इधर आएंगे। मेहनत बहुत है पर बहुत ही अच्छा लगेगा जब हमारा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना। पहला धागा लेंगे और नीडल से उसको पिरोएंगे, देखो पिरो लिया मैंने। तो चलिए, जैसे एक धागे में हमने ये नीडल पिरो ली है, वैसे दूसरा वाली भी हम नीडल लेंगे और दूसरे वाले में पिरो लेंगे, इससे जल्दी भी बन जाएगा और पता भी चल जाएगा आपको कि फर्स्ट वाले धागे में आपने क्या पिरोया है, उस दूसरे वाले में उसके साथ ही पिरो लेना है। ये देखिए, जैसे मैंने दोनों नीडल पिरो ली है, सबसे पहले मैं लगाऊंगी मूंगफली। तो चलिए हम लोग मूंगफली पिरोते हैं, छह दाने लगा दी, अब इधर छोड़ दी, अब दूसरा वाला धागा लेंगे और उसमें भी हम लोग छह मूंगफली लगा लेंगे, देखिए ये देखिए। अब लगाएंगे हम बादाम। फ्रेंड्स, मैंने आलमंड्स भी पिरो लिए, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना ऐसे, ये देखिए एक साइड से लगा रही हूँ, ये देखिए दूसरी साइड है, ये देखिए जो मैंने बोला था एक साइड से लगाना है, तो ये अब दूसरी वाली साइड से लगा रही हूँ मैं, लगा लेंगे ये वाला, ये भी सेम ऐसे लगाना है, दूसरी साइड से भी लगा लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए। अभी चलो लगाते हैं अभी हम ये हाफ नारियल सूखा वाला, इसको भी सेंटर से लगाना है, ये मैंने चॉकलेट के नीचे से लगाया क्योंकि अगर हम कुछ भी लगाते ना तो
तो वो नीचे ही आ जाता, कुछ भी हम सिल, तो इसलिए चॉकलेट इतना चिप नहीं रहा है, इसीलिए आप दूसरी नीडल से भी क्रॉस करना। मैं ये देखिए उसी जगह ये देखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये मेरी टेक्निक कैसी लगी आप लोगों को, ये देखिए। तो चलिए अभी हम क्या लगाएं, पताशे लगा। अभी हम दूसरी वाली जो नीडल है वो भी इसी इन्हीं पताशों में से क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए मैंने कंबाइन कर लिए पताशे, आप अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने कंबाइन कर ली है, आपकी चॉइस है। तो चलिए अब हम क्या लगाएंगे, ये किशमिश के दाने। यहाँ तक हो चुकी है मलूक, दिखाती हूँ आपको पास, जो बनेगा ना फिर मैं बताती हूँ आपको। ऐसे हमें शुवारे भी लगा लेने हैं। नॉट के साथ बंद कर देंगे ताकि खुलेगा नहीं हमारा ये हार। दो हमारी लड़ी हो चुकी है, अब दो रहती है, दो भी सेम ऐसे ही बनानी है हमें। तो चलिए जट से बना लेते हैं हम। एक साइड से बन चुका है मेरा हार, ये देखिए एक साइड से पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब ये वाला भी ऐसे ही बनाना जैसे बनाया है, जब कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाया मैंने। तो चलिए आप घीस में पिरोते हैं सारा कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स हार बन चुका है, मेहनत तो लगती है हर चीज में। ये देखिए मैंने बना ली है दोनों साइड से, सेम जैसे उस साइड लगाया वैसे उस साइड लगाया। तो चलिए अब इनकी नॉट लगाते हैं हम इनको, थोड़ा सा हैवी है तो सच में बहुत ही अच्छा बना है। लेकिन आप कोई मजबूत सा लीजिए, मैंने ये वाला धागा लिया, बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। ये दिखाती हूँ आपको, ये देखिए क्या लगता है। तो सारे आपने ऐसे ही बनाने हैं। तो चलिए ये वाला शोना के लिए ये वाला मैंने अभी कहा बहन के बेटे के लिए बनाया मैंने, और ये वाला अपने भैया के बेटे के लिए, ये वाला कुहू के लिए। कुहू की फर्स्ट लोहड़ी है, वो तो स्पेशल होनी चाहिए थोड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। धन्यवाद फ्रेंड्स।